वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एजुकेटिव। और आज हम पढ़ रहे हैं सेवन्थ क्लास के साइंस का चैप्टर 9, सॉयल। सॉयल यानी कि मृदा। बच्चों, इस चैप्टर के कुछ पार्ट को हम अपनी पिछली वीडियो में कवर कर चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, और पूरी की पूरी जो प्लेलिस्ट है चैप्टर 8 तक की, वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो वहाँ से आप कोई भी चैप्टर देख सकते हैं, और जो इसकी पिछली वीडियो थी वहाँ से इस चैप्टर को आप अच्छे से समझ सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के चैप्टर शुरू कर लेते हैं। बच्चों, पिछली वीडियो में हमने सॉयल के टाइप के बारे में पढ़ा था, और आपसे पूछा भी था कि सॉयल के क्या क्या यूज़ होते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है अब? प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉयल, यानी कि सॉयल की प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमें पढ़ना है कि उसमें कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, क्या क्या उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं। यू हैव लिस्टेड सम यूजेस ऑफ सॉयल, लेट अस परफॉर्म सम एक्टिविटीज़ टू फाइंड द करेक्टरिस्टिक ऑफ द सॉयल। तो यहाँ हम कुछ एक्टिविटीज़ करेंगे और जो सॉयल की मृदा की विशेषताएँ हैं उनको खोजने की कोशिश करेंगे, फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। परकोलेशन रेट ऑफ वाटर इन सॉयल, यानी कि मृदा में जल के अंतःस्रवण की दर, कि किस तरह की मिट्टी में कितना जल अवशोषित हो जाता है। बूझो एंड पहले मार्क टू डिफरेंट स्क्वायर ऑफ 50 cm x 50 cm ईच, वन ऑन द फ्लोर ऑफ देयर हाउस एंड अदर ऑन द कच्चा रोड। जो पूजो और पहेली हैं उन्होंने दो स्क्वायर मार्क किए हैं 50 cm x 50 cm के। एक तो उन्होंने कहाँ किया है, अपने जो घर का फर्श है उस पर किया है मार्क, और दूसरा कच्चे रोड पर किया है। दे फिल टू बोटल ऑफ द सेम साइज़ विद वाटर, और अब उन्होंने दो सेम साइज़ की बोतल ली हैं और उनको पानी से भरा है। दे एम्प्टीड द वाटर फ्रॉम द बोटल्स वन ईच एट द सेम टाइम इन द टू स्क्वायर, और जो टू स्क्वायर बनाए थे उन्होंने अलग अलग जगह पे, उनमें वो एक एक बोतल पानी की खाली कर दी है। दे ऑब्जर्व दैट द वाटर ऑन द फ्लोर फ्लोड डाउन एंड वॉज नॉट ऑब्जर्व। तो उन्होंने क्या देखा कि जो स्क्वायर उन्होंने फ्लोर पे यानी कि फर्श पे मार्क किया था, उसमें से पानी बाहर चला गया उसके स्क्वायर के बाहर, और फर्श उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाया। ऑन द कच्चा रोड ऑन द अदर हैंड द वाटर वॉज एब्जॉर्ब, और जो कच्चे रोड पर उन्होंने स्क्वायर बनाया था वहाँ पे क्या हुआ, पूरा का पूरा पानी रोड में एब्जॉर्ब हो गया, यानी कि अवशोषित हो गया। नाउ लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड दिस। तो चलिए अब इसको समझने के लिए एक एक्टिविटी और कर लेते हैं यहाँ पर, एक्टिविटी 9.4। फॉर दिस एक्टिविटी डिवाइड योर सेल्फ इन 3 टीम्स। तो इस एक्टिविटी के लिए क्या करना है हमको कि अपने आप को, जो क्लास के जितने बच्चे होते हैं या आपके पास कोई ग्रुप है बच्चों का, तो उसको 3 टीम में डिवाइड करना है। नेम टीम ए, बी एंड सी, और उन तीनों टीमों क्या नाम देना है आपको, टीम ए, टीम बी और टीम सी। यू विल बी फाइंडिंग आउट हाउ फास्ट द वाटर पोजेस डाउन द सॉयल, यू विल नीड ए होलो सिलेंडर और ए पाइप। तो आपको इस एक्टिविटी के लिए क्या करना है, कोई खाली सिलेंडर या पाइप की जरूरत पड़ेगी। Ensure that each team uses pipe of the same diameter. और ये आपको पक्का करना है कि जो हर टीम के जो बच्चे हैं वो एक ही डायमीटर के पाइप यूज़ करेंगे। Some suggestion for obtaining such a pipe are given below. तो इस तरह की पाइप को प्राप्त करने कुछ यहाँ पे आपको सजेशन दिए हुए हैं कि अगर आपके पास पाइप नहीं है तो आप क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। If possible, get a small tin can and cut off its bottom. अगर पॉसिबल हो तो कुछ जो टीन के जो डब्बे से आते हैं, बॉक्सेस आते हैं राउंड वाले, उनको ले लीजिए आप, और उनके जो बॉटम होते हैं उनको कट कर लीजिए, तो आपके पास होलो सिलेंडर बन जाएगा। इफ़ PVC पाइप इज़ अवेलेबल, कट इट इंटू 20 cm लॉन्ग पीस एंड यूज देम। और अगर आपके पास कोई PVC पाइप पड़ा हुआ है तो उसको आप 20 cm लंबे पीसेस में कट कर लीजिए। एट द प्लेस वेयर यू कलेक्ट द सॉयल, प्लेस द पाइप अबाउट 20 cm डीप इन द ग्राउंड। और जो आप जो ये पाइप ले रहे हैं उसको 2 cm तक गहरा मिट्टी के अंदर लगा दीजिए। पोर 200 ml वाटर इन द पाइप स्लोली, और उस पाइप के अंदर धीरे धीरे 200 ml वाटर डालेंगे। देखिए आपको नीचे दिखाया भी हुआ है। फॉर मेजरिंग 200 ml वाटर यू कैन यूज़ एनी एम्प्टी 200 ml बॉटल,
और 200 ml अगर आपको नहीं पता कि पानी कितना होता है तो इसके लिए आप कोई भी खाली जो 200 ml की कोई बोतल होती है या कोई मग होता है उसको ले सकते हैं। नोट द टाइम व्हेन यू स्टार्ट पोरिंग वाटर, और आप इस टाइम को नोट करेंगे कि जब आपने पानी के अंदर डालना शुरू किया है कितने टाइम में ये आपका धीरे धीरे एब्जॉर्ब हुआ है, ये देखना है हमें। व्हेन ऑल द वाटर हैज़ परकोलेटेड लीविंग द पाइप एम्प्टी नोट द टाइम अगेन, और जब पूरा का पूरा पानी इस पाइप को खाली करके नीचे अवशोषित हो जाए तो उस टाइम को भी आपको नोट करना है। बी केयरफुल नॉट बी लेट द वाटर स्पिल और रन डाउन द आउटसाइड द पाइप वाइल पोरिंग, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप पाइप के अंदर पानी डालेंगे तो वो बाहर नहीं गिरना चाहिए। कैलकुलेट द रेट ऑफ परकोलेशन बाई यूजिंग द फॉलोइंग फार्मूला, और जो जल के अंतरसरण की जो दर है उसको कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ एक फार्मूला यूज़ करेंगे। फार्मूला क्या है? परकोलेशन रेट इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ वाटर और परकोलेशन टाइम, तो जितना भी हमने पानी लिया था वो और उसको में कितना टाइम लगा है उसको अवशोषित होने में अंदर, वो लिखेंगे यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल सपोज दैट फॉर ए सर्टेन सैम्पल इट टुक 20 मिनट्स फॉर 200 ml टू परकोलेट, तो मान लीजिए हमें 200 ml पानी का अमाउंट जो है वो लिया है तो ऊपर हम लिख देंगे 200 ml और कितना टाइम लगा है हमें 20 मिनट्स, तो नीचे क्या आ गया 20 मिनट, तो जो रेट ऑफ परकोलेशन है वो कितनी आ गई 10 ml पर मिनट। कैलकुलेट द रेट ऑफ परकोलेशन इन योर सॉयल सैंपल, तो अब आपकी जो भी मिट्टी के सैंपल लिए हैं उसमें आप इस तरह से आप जल के अंतरसरण की दर को कैलकुलेट कर सकते हैं। कंपेयर योर फाइंडिंग्स विद अदर एंड अरेंज द सॉयल सैंपल इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रेट ऑफ परकोलेशन, और आपको दूसरों के साथ भी इस जो आपने ऑब्जर्वेशन किया है कैलकुलेट की है अंतरसरण की दर उसको कंपेयर करना है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? मॉइस्चर इन सॉयल, यानी कि मृदा में नमी। हैव यू एवर पास थ्रू ए फार्म लैंड ड्यूरिंग अ हॉट समर डे, तो कभी आपने किसी खुले मैदान या खेत के आसपास गुजरते हुए देखा है गर्मियों के दिनों में? परहैप्स यू नोटिस दैट द एयर अबाउ द लैंड इज शिमरिंग, तो जो वहाँ की जो एयर होती है वो ऐसी लगती है जैसे किसी आग के अलाव से निकल रही हो। वाई इज इट इज़ सो, तो ऐसा क्यों होता है? ट्राई आउट दिस एक्टिविटी एंड फाइंड द आंसर, तो इस एक्टिविटी को करिए और इसका आंसर प्राप्त करने की कोशिश कीजिए। एक्टिविटी 9.5, टेक ए बॉयलिंग ट्यूब पुट 2 spoonful ऑफ ए सॉयल सैंपल इन इट, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, टेस्ट ट्यूब लेनी है, बॉयलिंग ट्यूब लेनी है और उसके अंदर 2 चम्मच आपको क्या डालना है, मृदा के सैंपल के डालने हैं। हीट इट ऑन ए फ्लेम एंड ऑब्जर्व इट, और इसको एक ज्वाला के ऊपर आपको रख के इसको गर्म करना है, उसके बाद इसको ऑब्जर्व करना है क्या होता है। लेट अस फाइंड आउट व्हाट हैपन अपॉन हीटिंग, तो देखते हैं कि जो हमने हीटिंग की है उसके बाद क्या होता है। डू यू सी वाटर ड्रॉप्स एनीवेयर, तो क्या आपको वाटर ड्रॉप्स दिखाई देती हैं कहीं पर? इफ़ यस वेयर डिड यू फाइंड देम, अगर हाँ तो कहाँ दिखाई देती हैं? ऑन हीटिंग वाटर इन द सॉयल एवेपरेट मूव अप एंड कंडेंस ऑन द कूलर इनर वॉल ऑफ द अपर पार्ट ऑफ द बॉइलिंग ट्यूब, तो जब हीट करते हैं तो जो ये पानी है सॉयल के अंदर वो इवेपरेट हो जाता है, वाष्पित हो जाता है और ऊपर की ओर उठने लगता है और वो कंडेंस होकर जो टेस्ट ट्यूब की जो आपके बॉइलिंग ट्यूब की जो वॉल है उनके ऊपर जाके चिपक जाती हैं बूंदें। ऑन ए हॉट समर डे द वेपर्स कमिंग आउट ऑफ द सॉयल रिफ्लेक्ट द सनलाइट, तो इसी तरह जब गर्मी के दिन होते हैं तो जो वाटर वेपर्स होती हैं वो ऊपर की तरफ आती हैं और सनलाइट में रिफ्लेक्ट होती हैं। एंड द एयर अबाउ द सॉयल सेम टू बी शिमर, और जो हवा ऊपर उठती है वो हमें शिमर करती हुई चमकती हुई दिखाई देती है। ये देखिए आपको इस तरह से एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। आफ्टर हीटिंग द सॉयल टेक इट आउट द ट्यूब, और हीटिंग करने के बाद आपको क्या करना है, सॉयल को ट्यूब से बाहर निकालना है। कंपेयर इट विद द सॉयल विच हैज़ नॉट बीन हीटेड, और अब आपको वो मिट्टी जो आपने हीट नहीं किया उसके साथ इसको कंपेयर करना है, तुलना करके देखनी क्या डिफरेंस है इसमें। नोट द डिफरेंस बिटवीन द टू, और इन दोनों के डिफरेंस आपको नोट करना है। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय सॉयल, यानी कि मृदा का जल के द्वारा एब्जॉर्प्शन अवशोषण। डू ऑल द सॉयल एब्जॉर्ब वाटर द सेम एक्सटेंट, लेट अस फाइंड आउट, तो क्या सभी प्रकार की मिट्टी जो है मृदा है वो पानी के सेम अमाउंट को एब्जॉर्ब करती हैं? चलिए फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। टेक ए प्लास्टिक फनल, तो यहाँ पे आपको एक प्लास्टिक कीप लेनी है। टेक ए फिल्टर पेपर और पीस ऑफ न्यूज़पेपर शीट, फोल्ड एंड प्लेस इट एज शोन इन द फिगर 9.7।
तो आपको क्या करना है, प्लास्टिक की जो फनल ली है आपने, कीप ली है, उसके अंदर एक फिल्टर पेपर लगाना है या कोई न्यूज़पेपर की शीट भी लगा सकते हैं। वे 50 ग्राम ऑफ ड्राई पाउडर सॉयल एंड पोर इट इनटू द फनल। और आपको माप के 50 ग्राम सूखी क्या लेनी है, मृदा लेनी है और उसको इस कीप के अंदर डालना है। मेजर सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर इन ए मेजरिंग सिलेंडर एंड पोर इट ड्रॉप बाई ड्रॉप ऑन द सॉयल। और आपको मेजरिंग सिलेंडर के अंदर कुछ पानी का अमाउंट मेजर करके लेना है और बूंद बूंद करके इस फनल के अंदर, कीप के अंदर आपको डालना है। यू कैन यूज़ ए ड्रॉपर फॉर दिस पर्पज। और आप चाहें तो इस पर्पज़ के लिए एक ड्रॉपर भी ले सकते हैं, जिसके सहायता से आप आसानी से बूंद बूंद करके पानी इसमें डाल सकते हैं। डू नॉट लेट ऑल द वाटर फॉल एट वन स्पॉट। तो यहाँ पे आप एक ही जगह पर सारा पानी मत डालिए, बल्कि उसको अलग अलग जगह पर डालिए। पोर वाटर ऑल ओवर द सॉयल। पूरी की पूरी मिट्टी के ऊपर आप पानी डालना है। कीप पोरिंग वाटर टिल इट स्टार्ट ड्रिपिंग। तो जब तक आपको पानी डालना है, जब तक ये नीचे से ड्रिप करना स्टार्ट ना हो जाए। तो ये देखिए, यहाँ पे दिखाया भी है फिगर 9.7 में, ये नीचे बीकर लगाया हुआ है, उसके ऊपर कीप है, फिर फिल्टर पेपर है और ऊपर ड्रॉपर से हम पानी डाल रहे हैं मिट्टी इसके अंदर भर के। सब्जेक्ट द अमाउंट ऑफ वाटर लेफ्ट इन द मेजरिंग सिलेंडर फ्रॉम द अमाउंट यू स्टार्ट विद। दिस इज़ अमाउंट ऑफ वाटर रिटेन्ड बाय द सॉयल। अब जो पानी आपने जो लिया था, उसमें जो पानी बच गया है आपका, उस अमाउंट में जितना पानी आपने पहले लिया था उसमें से उसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, यानी उसको घटा दीजिए। दिस इज़ द अमाउंट ऑफ वाटर रिटेन्ड बाय द सॉयल। और जो ये पानी है वो कौन सा पानी का अमाउंट आएगा जो कि सॉयल में रिटेन किया है। रिकॉर्ड योर रिजल्ट इन योर नोटबुक इन द फॉलोइंग मैनर। और इस तरह से अपने रिकॉर्ड को यहाँ पे आपको नोट करना है। वे ऑफ द सॉयल कितना था, सॉयल का वेट कितना था, 50 ग्राम। इनिशियल वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द मेजरिंग सिलेंडर। और जो मेजरिंग सिलेंडर में आपका जो वाटर का वॉल्यूम था वो कितना था, यहाँ पे हमने मान लिया UML। फाइनल वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द मेजरिंग सिलेंडर, और जो फाइनल वॉल्यूम था पानी का उसको हमने मानना है यहाँ पे VML। आपका जितना भी है उसको आप ले सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ वाटर एब्जॉर्ब बाय द सॉयल। तो जो वॉल्यूम एब्जॉर्ब किया है सॉयल ने वो कैसे निकालेंगे, U-VML। वेट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब बाय द सॉयल, और वेट कैसे मापेंगे, U-V ग्राम। 1 ml ऑफ वाटर हैज़ वेट इक्वल टू 1 ग्राम। तो यहाँ पर 1 ml जो वाटर है वो 1 ग्राम वेट के बराबर है। परसेंटेज ऑफ वाटर एब्जॉर्ब, और जो परसेंटेज है वाटर एब्जॉर्प्शन की वो कैसे निकालेंगे, U-V/50×100। तो ये निकल गई हमारी परसेंटेज। रिपीट दिस एक्टिविटी विद डिफरेंट सॉयल सैंपल। और इस एक्टिविटी को आप अलग अलग सैंपल लेके मृदा के उनसे परफॉर्म कर सकते हैं। यू वुड गेट द सेम रिजल्ट फॉर ऑल द सैंपल्स। तो क्या आप अलग अलग मृदा के जो प्रकार लेते हैं, सैंपल लेते हैं, क्या आपको सभी में सेम रिजल्ट मिलते हैं। डिस्कस द रिजल्ट विद योर फ्रेंड्स एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो आपके जो रिजल्ट आए हैं वो अपने फ्रेंड के साथ डिस्कस कीजिए और नीचे जो कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं उनके आंसर देने की कोशिश कीजिए। विच सॉयल हैव द हाइएस्ट प्रोपोलेशन रेट। कौन सी मृदा के अंदर सबसे ज़्यादा अंतर्सवरण की दर है। विच सॉयल वुड हैव द लोएस्ट प्रोपोलेशन रेट। और कौन सी मिट्टी के अंदर, कौन से मृदा के अंदर सबसे कम अंतर्सवरण की दर है, जल को अवशोषित करने की दर है। बूझो हर फ्रॉम द नेबर दैट 8 to 10 days आफ्टर द रेन द लेवल ऑफ वाटर इन पोंड और वेल राइजेस। तो बूझो जो है उसने अपने पड़ोस में किसी से सुना था कि बारिश के 8 to 10 days के बाद जो पानी का जो लेवल होता है किसी पोंड में या कुएं में वो बढ़ जाता है। विच टाइप ऑफ सॉयल विल अलाउ वाटर टू रीच अ वेल फास्टर इन ए ग्रेट अमाउंट। तो कौन सी ऐसी सॉयल है जो पानी को इतनी जल्दी उसका अमाउंट बढ़ाने में सहायक करती है। विच टाइप ऑफ सॉयल रिटेन द हाइएस्ट अमाउंट ऑफ वाटर एंड विच रिटेन्स एट लीस्ट। कौन सी जो मिट्टी है वो सबसे ज़्यादा पानी को रिटेन कर पाती है और कौन सी सबसे कम करती है। कैन यू सजेस्ट एनी मेथड टू लेट मोर रेन वाटर परकोलेट एंड रीच द वाटर अंडरग्राउंड। तो क्या आप कोई ऐसा मेथड सजेस्ट कर सकते हैं जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो बरसात का पानी होता है उसको हम इकट्ठा कर सके, उसके अंतर्श्रवण हो सके,
उसकी दर को हम बढ़ा सकें अंडरग्राउंड वाटर को बढ़ाने के लिए। तो अगर आपको भी कोई ऐसा मेथड पता है जिसके द्वारा आप पानी की अंतःस्रवण की दर को बढ़ा सकते हैं और जो हमारा अंडरग्राउंड वाटर है उसका जो लेवल है वो बढ़ सकता है, तो यहाँ पर बताइए आप इसका आंसर क्या होगा। सोयल एंड क्रॉप, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, मृदा और फसलें। डिफरेंट टाइप ऑफ सॉयल आर फाउंड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया, तो डिफरेंट डिफरेंट जो सॉयल है, मृदा है, वो हमारे भारत के अलग अलग क्षेत्रों में पाई जाती है। इन सम पार्ट देयर इज क्ले सॉयल, इन सम पार्ट देयर इज लोमी सॉयल, वेल इन सम अदर पार्ट देयर इज सैंडी सॉयल। तो कुछ जगह पर तो क्या पाई जाती है, हमारी क्ले सॉयल पाई जाती है, कुछ जगह पे लोमी सॉयल मिलती है और कुछ जगह पे सैंडी सॉयल मिलती है। सॉयल इज अफेक्टेड बाय विंड, रेनफॉल, टेम्परेचर, लाइट एंड ह्यूमिडिटी। जो मृदा होती है वो विंड के द्वारा यानी कि पवन के द्वारा, बरसात के द्वारा, तापमान के द्वारा, लाइट के द्वारा और आर्द्रता के द्वारा अफेक्ट होती है, यानी कि ये सभी जो चीज़ें हैं ये इसके ऊपर प्रभाव डालती हैं। दीज आर सम इम्पोर्टेंट क्लाइमेटिक फैक्टर्स विच अफेक्ट द सॉयल प्रोफाइल एंड ब्रोइंग चेंज इन द सॉयल स्ट्रक्चर। तो ये कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट क्लाइमेटिक फैक्टर हैं जो कि सॉयल प्रोफाइल के ऊपर भी इफेक्ट डालते हैं और जो सॉयल का स्ट्रक्चर होता है उसमें भी परिवर्तन लाते हैं। द क्लाइमेटिक फैक्टर एज वेल एज द कंपोनेंट ऑफ सॉयल डिटरमाइन द वेरियस टाइप ऑफ वेजिटेशन एंड क्रॉप दैट माइट ग्रो इन एनी रीजन। और जो क्लाइमेटिक फैक्टर्स होते हैं यानी कि जलवायु के जो घटक होते हैं उसके साथ साथ जो सॉयल के कंपोनेंट होते हैं उससे ये भी डिटरमाइन होता है कि वहाँ पर किस तरह की वनस्पति होंगी, किस तरह की वहाँ पर फसलें होंगी। क्ले एंड लोमी सॉयल आर बोथ सुटेबल फॉर ग्रोइंग सीरियल्स लाइक वीट एंड ग्राम। और जो क्ले सॉयल होती है और जो लोमी सॉयल होती है, दोनों के दोनों ही वो जो अनाज होते हैं जैसे कि यहाँ पे वीट है यानी गेहूँ है और चना है, उनको उगाने के लिए सुटेबल होती है। सच सॉयल आर गुड रिटेनिंग वाटर, इनमें पानी को अवशोषित करने की अच्छी शक्ति होती है, रिटेन करने की पावर होती है। फोर पैड इज सॉयल रिच इन क्ले एंड ऑर्गेनिक मैटर एंड हैविंग गुड कैपेसिटी टू रिटेन वाटर आर आइडियल। और धान के लिए जो मिट्टी क्ले होती है और जिसमें ऑर्गेनिक मैटर काफ़ी ज़्यादा होता है और साथ साथ पानी को रिटेन करने के लिए भी आदर्श होती है, वो इसके लिए आदर्श मानी जाती है। फॉर लेंटिल्स, मसूर एंड अदर पल्सेस, लोमी सॉयल विच ड्रेन वाटर इजिली आर रिक्वायर्ड। और जो दालें हैं जैसे कि मसूर की दाल है या और भी दालें हैं, उनके लिए लोमी सॉयल बेस्ट होती है क्योंकि जो वाटर ड्रेनेज की जो पावर होती है, कैपेसिटी होती है, उसमें अच्छी होती है जो कि इन दालों के लिए चाहिए होती है। फॉर कॉटन, सैंडी लोम और लोम विच ड्रेन वाटर इजिली। और कॉटन के लिए सैंडी लोम और लोम जो होती है, लोमी सॉयल होती है, वो अच्छी होती है क्योंकि वाटर ड्रेनेज जो है इनमें से आसानी से हो जाता है। एंड कैन होल्ड प्लेंटी ऑफ एयर आर मोर सुटेबल। और इसके साथ साथ ये बहुत ज़्यादा मात्रा में एयर को भी होल्ड कर सकती है जो कि इसके लिए सुटेबल होता है। क्रॉप सच एज वीट आर ग्रोन इन फाइन क्ले सॉयल बिकॉज दे आर रिच इन ह्यूमस एंड वेरी फर्टाइल। और जो फसलें हैं जैसे कि गेहूँ हैं, वो क्ले सॉयल में ज़्यादा अच्छे से उगते हैं क्योंकि इनके अंदर ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है और ये बहुत फर्टाइल भी होती हैं, उपजाऊ भी होती हैं। फाइंड फ्रॉम योर टीचर, पेरेंट्स एंड फार्मर्स द टाइप ऑफ सॉयल एंड क्रॉप ग्रोन इन योर एरिया। तो अपने आप जो टीचर हैं, अपने पेरेंट्स हैं या जो किसान हैं, उनकी हेल्प से आप पता लगा सकते हैं कि कौन कौन सी तरह की मृदा आपके आसपास पाई जाती है और उनमें कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं। एंटर द डाटा इन द फॉलोइंग टेबल 9.2। और जो ये डाटा है आप कलेक्ट करके यहाँ पे फिल भी कर सकते हैं 9.2 टेबल में। व्हाट काइंड ऑफ सॉयल वुड बी द मोस्ट सुटेबल फॉर प्लांटिंग राइस। तो किस तरह की जो मृदा है वो चावल को उगाने के लिए सबसे बेस्ट होती है। सॉयल विद ए हायर और लोअर रेट ऑफ पॉपुलेशन। या तो जो ऐसे सॉयल जिसके अंदर की जल अंतर्स्रवण की मात्रा दर अधिक होती है या जिसमें जल अंतर्स्रवण की दर कम होती है, कौन सी मिट्टी ज़्यादा उपयुक्त है। तो आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन का आंसर देना है कि चावल को उगाने के लिए हम कौन सी मिट्टी का उपयोग करेंगे, कौन सी मृदा हमें चाहिए। तो जिस बच्चे को इस क्वेश्चन का आंसर आता है वो ज़रूर बताइए और फटाफट से मुझे कमेंट करके भेज दीजिए। तो बच्चों ये था हमारा चैप्टर जो कि हो गया है कम्प्लीट। तो अगला चैप्टर हम पढ़ेंगे अपनी नई वीडियो में। अगर आपको चैप्टर समझ में आया है, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए
और जो भी बच्चे नए हैं हमारे चैनल पे, जो जुड़े हुए नहीं हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले सभी चैप्टर की सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए और आपका कोई भी टॉपिक मिस ना हो। तो बच्चों, मैं आपको बस यही कहूँगी कि घर पे रहिए मगर पढ़ते ज़रूर रहिए। और हाँ, जो आपके आने वाला है, जो लाइव क्लास में क्विज होने वाला है, उसका आपका सिलेबस है चैप्टर 1, 2 और 3, तो उसके लिए प्रिपेयर ज़रूर करते रहिए ताकि आपका क्विज बेस्ट हो सके। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। 1, 2, 3, come on!